लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे टीनेज लड़कियों में ब्रेस्ट कैंसर होने पर दिखते हैं ये लक्षण, इनको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जब महिलाओं में कैंसर की बात आती है तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर वयस्क और ज़्यादा उम्र वाली महिलाओं में होता है और यह काफ़ी हद तक सही भी है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग ये नहीं जानते हैं कि आजकल किशोरियों यानी कम एज की लड़कियों में भी ब्रेस्ट कैंसर के मामले देखने को मिल रहे हैं। किशोरियों में ब्रेस्ट कैंसर बहुत दुर्लभ है, लेकिन पिछले कुछ समय में इसके मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है। अगर किशोरियों में समय रहते इसका निदान किया जाए तो इसका सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है और भविष्य में इसके जोखिम को कम किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है, किसी टीनेजर लड़की में ब्रेस्ट कैंसर को कैसे पता लगाया जा सकता है? किशोरियों में ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत होने पर कई संकेत और लक्षण देखने को मिलते हैं, जिन्हें समय रहते पहचान कर आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। वे कुछ टेस्ट करके इसकी पुष्टि कर सकते हैं और आपको तुरंत उसका उपचार दे सकते हैं। टीनेजर लड़कियों में ब्रेस्ट कैंसर के संकेत और लक्षण क्या हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। वयस्क या मतलब ज़्यादा एज वाली महिला या कम एज वाली लड़की, दोनों के बारे में आपको बता रहा हूँ। किशोरियों में भी ब्रेस्ट कैंसर के समान लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जिनमें बहुत कुछ आम है। सबसे पहले लक्षण है ब्रेस्ट में गांठ का होना। ये बड़ी एज में भी होता है और छोटी एज में भी होता है। स्तन के गांठ कठोर होना, स्तन के आकार या निप्पल में अस्पष्ट परिवर्तन, बगल या गर्दन के नीचे लिम्फ नोड्स, बिना किसी सामान्य स्थिति के निप्पल से डिस्चार्ज होना, स्तनों का लाल होना और उनमें सूजन। एक स्तन जो लाल या सूजा हुआ दिखता है, स्तनों में खुजली होना और पपड़ीदार त्वचा, स्तन का त्वचा में गड्ढे होना। ब्रेस्ट कैंसर जोखिम कारक है। कुछ लड़कियां कैंसर के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती हैं, जिनमें शामिल है जिनके परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर रहा हो या पारिवारिक इतिहास हो, उनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। आनुवंशिक या जीन में परिवर्तन होता है तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। फिजिकली एक्टिव ना रहने पर ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। हानिकारक किरणों के संपर्क में अधिक समय बिताएंगे तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। शराब और स्मोकिंग जैसी आदतें अगर हैं तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। एस्ट्रोजन थेरेपी कराते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना है लेते हैं आप तो आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। जंक और प्रोसेस्ड फूड के फूड्स का अधिक इस्तेमाल करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। स्वस्थ जीवन शैली को फॉलो करके महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को आसानी से कम कर सकती हैं। इसलिए स्वस्थ और पोषक तत्वों से भरपूर आहार लें, नियमित एक्सरसाइज करें, फिजिकली एक्टिव रहें, स्मोकिंग शराब और तंबाकू से दूरी बनाए रखें, धूप के संपर्क में कम से कम समय बिताएं, ज़्यादा तला भुना नमकीन मसालेदार और प्रोसेस्ड फूड खाने से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।